आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। शास्त्रीपुरम स्थित केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण केंद्र में एक वर्षीय एडवांस सर्टिफिकेट इन फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एवं 3 महीने का सर्टिफिकेट शू केस में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 5 फरवरी है। शास्त्रीपुरम स्थित केंद्रीय पादुका परीक्षण केंद्र में एक वर्षीय एडवांस सर्टिफिकेट इन फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी एवं 3 महीने के सर्टिफिकेट शू कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। ये जानकारी CFTI के निदेशक सनातन साहू ने दी। आपको जैसे मालूम होगा कि हमारा जो संस्थान केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान पादुका एवं संबंधित उद्योगों के लिए मानव संसाधन का विकास करते आ रहा है और अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पे चलाया जाता है। अभी फिलहाल हमारे 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अभी एडमिशन जारी है। एक हो गया कि जो ये स्पेशली है जो 10th पास के बाद जो स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं और अपना स्वयं का कुछ बिजनेस करना चाहते हैं या रोजगार परक भी बनना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये 2 प्रोग्राम है। एक होता है कि 1 साल का एडवांस सर्टिफिकेट इन फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो 1 साल का कोर्स है, और 1 3 महीना का है सू कैट कैम्प के ऊपर में, ये भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। ये 2 प्रोग्राम अभी के लिए एडमिशन चालू है। आखिरी तारीख 5 तारीख को रखा गया है। सनातन साहू ने बताया कि CFTI में संचालित यह पाठ्यक्रम रोजगार परक है। इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद स्टूडेंट्स को विभिन्न शू एक्सपर्ट्स कंपनियों में जॉब मिल जाता है। हम कैंडिडेट कहना चाहते हैं कि आगरा को न कि सिर्फ ताजमहल के बारे में जाना जाता है, अभी तो पादुका उद्योगों के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। वहाँ से 100 से ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है और ऐसे तो देखें तो 5,000 से ज़्यादा इकाइयाँ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक रोजगार की अपार संभावना है। और जो लोग इंडस्ट्री में अपना कैरियर डेवलप करना चाहते हैं और दैट टू 10th पास कैंडिडेट्स, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। वो आए और 1 साल का ये कोर्स करें, ये 1 साल में उनको टेक्निकल नॉलेज, मैनेजमेंट नॉलेज भी होता है और ये मेनली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज है। इसमें करीब करीब 75% ऑफ द सिलेबस प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है, ताकि 1 साल के दौरान वो पूर्ण कौशल बन सकते हैं और इंडस्ट्री में अपना जॉब कैरियर शुरू कर सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 5 फरवरी है। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।